नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। तो अब वक्त हो चुका है सुबह की अहम खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मेगा रिक्वायरमेंट ड्राइव लॉन्च करेंगे। समारोह के दौरान 75,000 युवाओं को नियुक्त पत्र सौंपे जाएंगे। पीएम इस दौरान इन युवाओं से वर्चुअल बातचीत भी करेंगे। भोपाल की बकानिया स्थित भारत पेट्रोलियम डिपो में शुक्रवार रात बड़ा हादसा हो गया। फिलिंग पॉइंट पर टैंकर में ईंधन भरते समय विस्फोट हुआ। हादसे में 7 लोग घायल हो गए हैं। जम्मू शहर को नए मेयर और डिप्टी मेयर मिल गए हैं। भाजपा के काउंसलर राजेंद्र शर्मा ने मेयर का चुनाव जीता है। उन्होंने कुल 57 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी के काउंसलर बलदेव सिंह बलोरिया डिप्टी मेयर चुने गए हैं। मणिपुर में रात करीब 9:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई है। फिलहाल भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दी है। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत की भी जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि संभावना है कि दिवाली के बाद चुनाव आयोग इसकी घोषणा कर देगा। इस बीच गृह मंत्री हर्ष संघवी ने शुक्रवार को घोषणा की, यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर लोगों पर 1 सप्ताह तक जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इटली में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने नई सरकार का गठन कर लिया है। पार्टी ने जॉर्जिया मेलोनियो को प्रधानमंत्री नामित किया है। जॉर्जिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचने वाली है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने शुक्रवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई नेता इमरान खान को 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। तो फिलहाल सुबह की मुख्य खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज।